मथुरा में आयकर विभाग ने ई रिक्शा चालक को थमा दिया 3,47,54,896 रुपए का नोटिस। पीड़ित ने पैन कार्ड बनवाने के लिए किया था आवेदन, जालसाजी का शिकार हुआ है पीड़ित, मामले में केस दर्ज। कानपुर देहात में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। अमराहट में कैनाल परियोजना का काम पूरा ही नहीं हुआ, बनी हुई नहर भी अभी से टूटने लगी, अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की कर रहे हैं बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऑफलाइन क्लासेस को खोले जाने और एडमिशन में अनियमितता को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। 7 दिन में ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर बिड डॉक्यूमेंट शासन को भेजा गया। यमुना प्राधिकरण ने सहयोगी कंपनी CBRI के साथ बैठक, सुधार के बिंदुओं पर की चर्चा। फिल्म सिटी में होंगे 3D स्टूडियो, 360 डिग्री पर घूमने वाले सेट होंगे, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और एनिमेशन स्टूडियो भी बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना। सफाई कर्मचारियों का कहना है ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और उनका वेतनमान भी बढ़ाया जाए। चंदौली के चकिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में SDM ने अवैध जमीन पर बने अतिक्रमण को हटवाया। पंचायत की जमीन पर पिछले कई सालों से लोगों का अवैध रूप से था कब्जा, कई बार चेतावनी देने के बाद भी किया गया नजरअंदाज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से किया गया हमला। इस हमले में 5 स्थानीय लोग हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल भर्ती कराया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलांग से डिब्रूगढ़ की इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई अधिकारी शामिल रहे। 26 अक्टूबर को घरेलू मार्केट में कारोबार की बढ़त के साथ हुई शुरुआत, अंतक रही बरकरार। 383 अंकों की बढ़त के साथ 61,350 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 143 पॉइंट्स के उछाल के साथ 18,268 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। कोटक बैंक को सितंबर तिमाही में 7% की गिरावट के साथ 2,032 करोड़ रुपए का मुनाफा। 26 अक्टूबर मंगलवार को फिर महंगा हुआ 24 कैरेट सोना। 296 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 48,346 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का रेट। वहीं 16 रुपए की मामूली वृद्धि के साथ 65,793 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। धनतेरस और दीपावली तक और बढ़ सकते हैं सोने चांदी के भाव। इंडियन प्रीमियर लीग में अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें जुड़ी। अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी इंटरनेशनल कंपनी CVC कैपिटल्स पार्टनर्स को मिली, वहीं लखनऊ की टीम संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप को मिली।